नंबर वन, बसेस ऑन दिस रूट एवरी आवर. तो यहां वर्ब लिखी हुई है रन. तो अब यहां पर रन हो या फिर रन्स होना चाहिए, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. नेक्स्ट है टू, एप्पल्स राइप इन ऑटम. एप्पल्स राइप इन ऑटम. तो यहां पर गेट राइप या गेट आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या फिर यहां पर गेट्स होना चाहिए. मीना ऑन द स्टेज. तो मीना के लिए डांस होना चाहिए, डांसेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए. द लास्ट बस, नंबर फोर में द लास्ट बस नॉर्मली एट मिडनाइट, कि जो बस है वो अंतिम बस जो जाती है 8 बजे. सो लीव या लीव्स क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे ही हम बोलेंगे ही. नंबर फाइव में ही डिनर एट 8 PM. तो यहाँ पर नॉट हैव, नॉट हैव का मतलब इसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी है आपकी नॉट हैव की. तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ही डज नॉट आना चाहिए यहाँ पर, ही डज नॉट हैव डिनर या ही डू नॉट हैव डिनर, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये आपको बताना है. तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं. द फंक्शन ऑफ टेंसेज. तो जितने भी स्टूडेंट्स को अभी तक टेंसेज के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या उनको समझ में नहीं आते हैं, तो इस चीज़ को आज इसको हम क्लियर कर लेते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ टेंस मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब. कि जो टेंस होता है इसको हम मे बी, मे बी मीन्स होता है शायद, ठीक है, या ऐसे जो टेंस होता है हम टेंस को डिफाइन कर सकते हैं फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म में. विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करती है द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट. तो टेंस को हम वर्ब के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब होती है वही टेंस का काम करती है, ठीक है. और इस वर्ब के थ्रू हम क्या बता सकते हैं, टाइम. इंडिकेट्स द टाइम मतलब ये समय को बताती है, और साथ साथ स्टेट ऑफ एन एक्शन या किसी एक्शन की स्टेट को बताती है, मतलब कि वो काम कैसे हुआ, मतलब बार बार हुआ, कभी कभी हुआ, या पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, उसके एक्शन क्या रहा, उसका इवेंट कौन सा रहा, फ्यूचर का इवेंट था, पास्ट का इवेंट था, प्रेजेंट का इवेंट था. तो ये चीजें हम एक टेंस, हम टेंस के थ्रू बताते हैं. इन दिस मैनर अ वर्ब मे रिफर टू. तो इस प्रकार से जो वर्ब है वो रिफर करती है किसको, टाइम ए. सो नंबर वन हम इसका जो इन्होंने यूज दिया है ए, टाइम ऑफ एन एक्शन. तो एक वर्ब क्या क्या बता सकती है, किसी मतलब कि एक्शन को, एक्शन के समय को बताती है. जैसे कि ही गोज टू स्कूल. अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे ही गोज टू स्कूल, तो गोज का मतलब होता है कि वह स्कूल जाता है. तो यहां गोज से एस और यस से ये पता चलता है कि ये काम उसने बार बार किया, और ये प्रेजेंट टाइम को रिफर करता है जो एक्शन है इसका. तो एक्शन का मतलब होता है वर्ब. तो ये जो वर्ब गोज है यहां पर, इससे हमें पता चल रहा है कि ये काम उसने प्रेजेंट में बार बार करता है, मतलब वो जो इस काम को. नेक्स्ट है यहां पर उसका वर्क, ही वेंट टू स्कूल. ही went to school मतलब वो स्कूल गया. तो went जो है यहाँ पर जो वर्ब है ये बता रहा है कि ये काम उसने पास्ट में किया. He will go to school वो स्कूल जाएगा, ये काम वो फ्यूचर में करेगा. तो वर्ब के थ्रू हम टेंस में, मतलब टेंस बता सकते हैं कि हम कौन सा काम कौन से टेंस में कर रहे हैं. सो फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस, ऊपर दिए गए सेंटेंसेस के माध्यम से, इट विल बी क्लियर टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा दैट देयर आर थ्री मेन टेंसेज. कि जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है. तो पहली बात हमने जिक्र की कि जो वर्ब हो, वर्ब होती है, वर्ब क्या बताती है, टाइम ऑफ एन एक्शन. कि कौन सी वर्ब या जो कोई एक्शन हुआ, कोई काम हुआ, वो किस टाइम में हुआ, मतलब किस टेंस में हुआ, ठीक है. और दूसरा वर्ब से पता चलता है हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन. कि जो कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका फंक्शन बताने के लिए. सो फंक्शन ऑफ टेंसेस बताने के लिए, जैसे कि आई राइट लेटर्स रेगुलरली. मैं लेटर लिखता हूं, बट कैसे लिखता हूं, रेगुलरली. तो ये मेरा यहां पर फंक्शन बताया जा रहा है कि मैं काम तो करता हूं, लेटर तो लिखता हूं, बट कैसे लिखता हूं, रेगुलरली, मतलब ये मेरी हैबिट है, रोजाना काम करने की हैबिट है. हैबिचुअल फंक्शन हो गया यहां पर मेरा. आई एम राइटिंग अ लेटर. आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है. सो आई एम राइटिंग अ लेटर, इससे ये पता चलता है कि ये जो मैं लेटर है मैं अभी लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग अ लेटर. तो इससे पता चला कि मैं कोई काम प्रेजेंट में कर रहा हूं, वो भी कंटिन्यूस, मतलब रेगुलर कर रहा हूं उसको अभी. तो ये मेरा प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखा रहा है, फंक्शन को दिखा रहा है. प्रोग्रेसिव मींस होता है लगातार काम करने वाला, जो चल रहा है अभी भी. आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, मतलब मैंने अभी अभी बिल्कुल अभी अभी एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता दिखाना. तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हमने कोई काम कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हम कोई ना कोई फंक्शन जरूर करेंगे.
आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम. आई हैव बीन राइटिंग, तो यहाँ राइटिंग से मतलब है और हैव बीन से मतलब है यहाँ पर कि हम कोई काम कर रहे हैं, समय हो गया उसको करते हुए, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे लिए फॉर सम टाइम मतलब यहाँ समय की बात की जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई काम हम कर तो रहे हैं बट उसको करते हुए हमें कुछ समय भी हो गया है, ठीक है. तो ये चीज हम बताते हैं. नंबर थर्ड, इसमें जो पॉइंट हम बातें करेंगे, टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस, मतलब कि जो टेंस है, टेंस में कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं, मतलब हम कुछ टाइम वाले वर्ड्स भी यूज करते हैं तो उसी को टाइम फ्रेम बोला गया है यहाँ पर जो, ठीक है. सो वी हैव फॉलोइंग थ्री टाइम फ्रेम्स, तो हमारे लिए तीन प्रकार के टाइम फ्रेम्स होते हैं. एंड इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ, जिसमें हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है टेंसेज का, वी शुड नो ब्रीफली ऑल ऑफ देम, और इनके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए. दीज आर एज फॉलोज, और ये इस प्रकार है. पहला जो हमारा टाइम और फ्रेम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ ऐसे समय होते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन सा काम कब शुरू हुआ, जैसे कि, और इसमें स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम को दिखाया जाता है. जैसे एग्जांपल के लिए इन 1947, कि आपने कोई काम किया या कोई काम हुआ लेकिन वो कब हुआ, 1947 में, या कोई काम आपने शुरू किया या हुआ वो काम मंडे को, ट्यूजडे को, या इन जून, इन जुलाई, या ऑन दिवाली. तो ऐसा जब आप कोई भी काम बताते हैं यहां पर तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं. दूसरा होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब आप दो समय के बीच में जो समय आपने बिताया है उसको आप पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं. अब पहले आप अंतर समझिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या अंतर है और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि काम कहां से शुरू हुआ. जैसे सपोज कीजिएगा कि अभी 7 बजे हैं और 7 बजे से आपने कोई काम शुरू किया, तो आप कह सकते हैं कि 7 बजे जो है उस काम को शुरू करने का जो समय है वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. और जैसे अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, तो जैसे कि 7 से और 8 बजे तक आपने पढ़ाई की, तो 7 से और 8 बजे का के बीच का जो समय है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम होता है मतलब किसी समय में जो हम काम करने में जो समय बिताते हैं उस समय को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. और इसका मतलब ये बताना नहीं होता कि हमने काम शुरू कहां से किया है, ठीक है. और पीरियड ऑफ टाइम में हम किसी काम की क्या बताते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब उसकी अवधि बताते हैं, उसका समय बताते हैं, कितना समय लिया हमने उस काम को करने में. जैसे कि फ्रॉम 1930 to 1950, तो 1930 से 1950 के बीच में जो समय लगा उस काम को करने के लिए, ठीक है. ऐसे ही फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब हम इस काम को करते हैं तो उसकी अवधि क्या होगी, मंडे से और सैटरडे के बीच का जो समय बताया गया वो पीरियड ऑफ टाइम में क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, कहलाता है. और थर्ड होता है इसमें एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, कि टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि दोनों समय का कॉम्बिनेशन लगाकर, मतलब इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी होगा और पीरियड ऑफ टाइम दोनों ही होते हैं उसमें, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि विंटर 1947. अब विंटर तो हमने बता दी, बट तो विंटर तो हो गया यहाँ पर जो पीरियड, बट 1947 ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, ये शुरुआत हो गई और ये विंटर होगी, तब तो हमें पता चल गया भी कौन सी विंटर की बात की जा रही है यहाँ पर जो. तो ये पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो गया. ऐसे समर, तो समर का मतलब था गर्मियां. अब गर्मियों से हमें ये तो पता नहीं चला कि शुरुआत कहाँ से गर्मियों की जो, तो लेकिन उनकी अवधि पता चली कि हाँ भी गर्मियों की बात करें तो गर्मी जितनी भी गर्मी रही है उस समय के, मतलब चाहे 2 महीने पड़े या 3 महीने गर्मियां जो पड़ती हैं उसमें जो समय बीता उसको समर वहां पर बोल दिया उन्होंने. समर टाइम जो हो गया वो किस में आ गया, पीरियड ऑफ टाइम में. बट 1950 की जो गर्मियां हैं तो 1950 की वजह से अभी पॉइंट ऑफ टाइम में चला गया. तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. द टेंसेज एंड देयर फंक्शंस, तो अब इस वीडियो में मतलब हम आगे बातें करने वाले हैं टेंस और उनके फंक्शंस की. द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जो हमारा पहला टेंस है वो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब ये टेंस क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शंस, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रुथ एटसेट्रा. मतलब कि इस टेंस में जनरली यूज टू डिनोट मतलब बातें की जाती हैं हैबिट, हैबिट मीन्स होते हैं आदतों की, कस्टम किसी रीति रिवाज की, त्योहार वगैरह की, प्रैक्टिस किसी प्रैक्टिस किसी काम के करने की प्रैक्टिस की, रिपीटेड एक्शंस या कोई काम जिसे हम बार बार करते हैं उनकी बात की जाती है,
परमानेंट एक्टिविटी या ऐसा काम जो हमारे ये दिखाता है कि हम इस काम को मतलब लंबे समय तक करते हैं, और जनरल ट्रुथ या फिर इसमें किसी सच्चाई को बताया जाता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके बोलते हैं वहां पर। और दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में खास बात यह होती है कि इसमें हम कुछ टाइम वर्ड्स को भी यूज करते हैं, जैसे कि दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाई दी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब इन आइडियाज को मतलब कि इन हैबिट्स को, कस्टम्स को, प्रैक्टिस को, रिपीटेड एक्शंस को हम किसके थ्रू बताते हैं यहाँ पर, जो इनको बताते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो शब्द होते हैं जो किसी काम की मात्रा को बताते हैं कि हम इसको कितनी मात्रा में करते हैं, मतलब कि रोजाना करते हैं, कभी कभी करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जैसे कि ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, सेल्डम मीन्स शायद ही कभी, यूजुअली मीन्स प्राय, नेवर मीन्स कभी नहीं, अकेजनली कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, नॉर्मली मीन्स सामान्यतया, जनरली मीन्स सामान्यतया, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, और रेयरली मीन्स शायद ही कभी, डेली मीन्स रोजाना। तो ये शब्द याद रखने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्पॉट द एरर्स वाली जो एग्जाम एक्सरसाइज होती है, जब आप उसको करते हैं या उसमें आपको एरर्स फाइंड करने होते हैं, ढूंढने होते हैं, तो उस समय ये जो वर्ड्स होते हैं, यही वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, 1% की बात करने के लिए तो एस और यस वर्ब में लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि गो का गोस, टॉक टॉक्स, स्पीक स्पीक्स, और मना करने के लिए 1% के लिए डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने नहीं दिया ऐसा, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसमें। और वैसे अगर ज्यादा लोगों की बात की जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए, तो वहां पर उनके साथ में कोई एस और यस नहीं आती है, ठीक है, वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। और मना करने के लिए डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सो नंबर वन एग्जाम्पल को देखते हैं हम इसमें। द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो जो ओल्ड लेडी है वो वॉक के लिए जाती है मॉर्निंग में, तो इससे हमें पता चलता है कि ओल्ड लेडी कहाँ जाती है, वॉक के लिए, इन द मॉर्निंग, ठीक है, गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो गोज मीन्स होता है जाना, तो यहाँ पता चल रहा है कि जो लेडी है वो काम कैसे कर रही है, उसको रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है उसका, मतलब बार बार काम करती है वो इसको जो, ठीक है। और क्योंकि लेडी वन है इसलिए उसके लिए एस और एस लगानी पड़ेगी वर्ब में। पर्ल, वैसे इसको हम पर्ल पढ़ते हैं, तो पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी, जो पर्ल नाम का जो व्यक्ति है वो हमेशा विश्वास करता है, अक्सर विश्वास करता है एवरीबॉडी में, हर किसी में। सो बिलीव्स यहां पर क्योंकि वन व्यक्ति की बात करें इसलिए एस लगाना पड़ेगा, तो बिलीव से पता चल रहा है इसके परमानेंट एक्टिविटी का यहां पर जो, ठीक है। अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, कि जो अर्नव है वो गेट्स लेट, वो हमेशा लेट हो जाता है या अक्सर लेट हो जाता है फॉर लंच, लंच के लिए। तो यहाँ पर ऑफन और गेट्स, क्योंकि ऑफन आ रहा है या गेट्स आ रहा है, तो इन्हीं से पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स हैं। सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि ऑलवेज, ऑफन आप देख रहे होंगे, ये बार बार आते हैं यहाँ पर जो, इनमें सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, कि सुहानी हमेशा समय पर आती है, तो यहाँ रिपीटेड एक्शन की बात की जा रही है। सौर्या सेल्डम गेट्स अ फ्लाइट, कि सौर्या मुश्किल से ही या शायद ही कभी लेट उठता हो, अदरवाइज वो हमेशा समय पर उठता है। पॉइंट नंबर बी, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स, मतलब कि इस टेंस के थ्रू हम परमानेंट नेचर या परमानेंट एक्टिविटीज की भी बातें कर लेते हैं, मतलब जो काम परमानेंट हैं वो भी बातें हम कर सकते हैं इनसे। जैसे कि आई नो हिम वेल, तो नो से ये पता चल रहा है कि मैं उसे जानता हूं, अब जानने का काम मैंने एक बार किया बट वो परमानेंट हो गया, मतलब एक बार जान लिया तो हमेशा के लिए जान लिया मैंने उसको जो, ठीक है, तो ये परमानेंट हो गया यहाँ पर। सो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ही टीचेस इन सेंट जेवियर कॉलेज, कि वो सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाता है, तो वो जो उसका टीचिंग का जो काम है वो उससे पता चलता है कि ये काम टेम्पररी नहीं है, मतलब छोटे समय के लिए नहीं करता, वो काम मतलब परमानेंट करता है, मतलब कि लंबे समय के लिए, चाहे वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो टीचिंग उसका जो टीचिंग जो वर्क है यहाँ पर, ये लंबा वर्क है उसके लिए। द काउ गिव्स मिल्क, जो काउ है वो मिल्क देती है, गाय जो दूध देती है, तो ये गाय का कैसा वर्क हो गया यहाँ पर जो, उसका परमानेंट एक्टिविटी, मतलब वो हमेशा दूध ही देगी, कभी चाय कॉफ़ी या हम कुछ और चीज़ नहीं कह सकते, ठीक है, वो चीज़ नहीं देती है।
नेक्स्ट है रिवर्स फ्रीज एट हाई अल्टीट्यूड, कि जो रिवर हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, मतलब जम जाती हैं एट हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई पर, जब नदी अगर ऊंचाई पर होती हैं बहती हैं तो वो ज़्यादातर जम जाती हैं हाई अल्टीट्यूड पर। नेक्स्ट इसके कुछ और भी यूज दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब हिस्टोरिकल प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की कोई बात बतानी है वो भी पास्ट किसी व्यक्ति के बारे में तो हम ऐसे बताएंगे, नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स, तो इसका मतलब आप किसी पास्ट के व्यक्ति, जैसे नेताजी यहाँ पर पास्ट के फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनकी स्टोरी को हम प्रेजेंट में, हो सकता है किसी मूवी की स्टोरी के रूप में हम बता रहे हो, तो वहां पर हमने एक वर्ड यूज कर दिया नाउ, तो नाउ जब अब जब हम सेंटेंस में शुरू में लगाते हैं और इस तरह से किसी पास्ट के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म, तो इसका मतलब है कि अब अर्जुन जो तीर है उसको चला देता है भीष्म की तरफ, ठीक है, तो यहाँ हम मतलब एक स्टोरी के रूप में उस पास्ट की स्टोरी को बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो फिर भाई हम बताते किसी को स्टोरी, भाई फिर अर्जुन तीर चला देता है, फिर जो भीष्म पितामह को तीर लग जाते हैं और फिर वो सैया मतलब तीरों के सैया पे लेट जाते हैं, तो हम जब किसी को ऐसी मूवी की स्टोरी बताते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्यूचर अरेंजमेंट, ये याद रखने वाली बात है कि प्रेजेंट इन टेंस का यूज, इंडेफिनिट टेंस का यूज हम फ्यूचर के अरेंजमेंट में भी हम करते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यूयॉर्क से आएंगे लेकिन वो कल आएंगे, ठीक है ना, सो अराइव, अराइव का मतलब है आना, तो यहां हमने प्रेजेंट यूज किया क्योंकि हम ये अरेंज, ये पहले से अरेंज है, पहले से फिक्स है कि प्राइम मिनिस्टर को न्यूयॉर्क से उस दिन आना है, ठीक है। He leaves his job next week. ये उसने पहले से अरेंज कर लिया है कि मुझे अपनी जॉब जो है नेक्स्ट वीक लीव कर लेनी है, तो अगले सप्ते, हालांकि नेक्स्ट वीक दिखाता है फ्यूचर को, तो फ्यूचर में भी हम प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये बातें करनी चाहिए। अब हम ये एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये आपको फिल करनी है, पहले मैं इसमें आपको एक्सरसाइज में ऑप्शंस जो हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, और पहले आपको बताना है मुझे। नंबर वन, बसेज ऑन दिस रूट एवरी आवर, तो यहाँ वर्ब लिखी हुई है रन, तो अब यहाँ पर रन हो या फिर रन्स होना चाहिए, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट है टू, एप्पल्स राइप इन ऑटम, एप्पल्स राइप इन ऑटम, तो यहाँ पर गेट राइप या गेट आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए या फिर यहाँ पर गेट्स होना चाहिए। मीना ऑन द स्टेज, तो मीना के लिए डांस होना चाहिए, डांसिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। द लास्ट बस, नंबर फोर में द लास्ट बस नॉर्मली एट मिडनाइट, कि जो बस है वो अंतिम बस जो जाती है 8 बजे, सो लीव या लीव्स क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे ही हम बोलेंगे ही। नंबर फाइव में ही डिनर एट 8 PM, तो यहाँ पर नॉट हैव, नॉट हैव का मतलब इसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी है आपकी नॉट हैव की, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ही डज नॉट आना चाहिए यहाँ पर, ही डज नॉट हैव डिनर या ही डू नॉट हैव डिनर, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो अपने ऑप्शंस को आपको कमेंट में बताना है जो जो सही है, ठीक है, तो इनके आंसर्स यहाँ पे हैं। बसेज ऑन दिस रोड एवरी आवर, तो इसमें आएगा रन, बिकॉज बसेज जो है वो प्लूरल है, ज्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर रन का यूज करना चाहिए, ठीक है। वैसे हम बोलते हैं यहाँ पर एप्पल्स, एप्पल्स भी ज्यादा है, तो इसलिए गेट ही बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। मीना ऑन द स्टेज, मीना एक लड़की है, वन गर्ल है, तो इसे डांसेस बोलना पड़ेगा हमें। लास्ट बस एक ही बस है, इसलिए हमें इसके लिए लीव्स बोलना चाहिए, और ही क्योंकि सिंगलर है इसलिए हमें नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का यूज करना चाहिए। ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, हैव का मतलब होता है यहाँ पर खाना, ठीक है, कि वो खाना 8 बजे नहीं खाता है, ठीक है, रात का जो खाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।